टोबोटेक सिंह की जरी यूनिवर्सिटी में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तीसरे एंट्री टेस्ट के नकाद का फैसला कर दिया। प्रिंसिपल डॉक्टर जियाउर रहमान का कहना है कि हायर एजुकेशन के तमाम प्रोग्राम्स तालीम दी जा रही है। इसी बारे में मजीद तफसीला जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर कहिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर जियाउर रहमान टोबा टेक्सिंग में ज़रई यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में बतौर प्रिंसिपल अपने फ़राइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि तुलबा की आसानी के लिए जो है वो थर्ड जो टेस्ट है उसका भी आगाज़ किया गया, ताकि ऐसे बच्चे जो तालीम हासिल करना चाह रहे हैं और उनके दाखिले नहीं हुए थे उनकी आसानी के लिए इस एंट्री टेस्ट का आगाज़ किया गया। उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग की ज़रई यूनिवर्सिटी में कौन सी स्पेशलिटी है जिस पर आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है बेहतर है? टोबा टेक्सिंग का आगाज़ 2005 में हुआ और उस वक्त सिर्फ दो ही प्रोग्राम थे, बीएस पॉलिटी साइंस और लाइफस्टाइल असिस्टेंट डिप्लोमा। इसके साथ हमने इसका आगाज़ किया, लेकिन टोबा कैंपस की कम्युनिटी की डिमांड पर वाइस चांसलर साहब राना इकरार अहमद साहब सतारा इम्तियाज़ ने मजीद डिग्रियों का इजरा किया, जिसमें जो हायर एजुकेशन की प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, इसमें पॉलिटी साइंस के अलावा ह्यूमन न्यूट्रिशन है, केमिस्ट्री है और जोलॉजी है, और इसके अलावा BBA है और मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम हैं जिसमें हमारे टोबा कैंपस के बच्चे ज़ौक व शौक से दाखिला ले रहे हैं। और ये जो हायर एजुकेशन के डिग्री प्रोग्राम हैं ये टोबा कैंपस के अलावा टोबा में और कहीं भी नहीं हो रहे, तो ये हमारी स्पेशलिटी है। और वाइस चांसलर साहब करार शुक्रिया मुबशर तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फलवा।